शांति स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियां बुक सीरीज का नाम है विल पावर। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 70। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है, फिर कैसे आई? पहला पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया, विल करने में देरी तो नहीं की? जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर आ नहीं सकती। साकार ने कुछ सोचा क्या कि कैसा होगा, क्या होगा? यह कब सोचा? अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं निकलता। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है, पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उसको नंबर वन की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती है। इस बात पर सोचना, बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना आपका कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है, इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं तो फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। अव्यक्तवाणी 29 मई 70। इस अवस्था में विल पावर भी होती है। जैसे विल किया जाता है ना, तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया, जिम्मेवारी उतर गई। विल पावर भी आती है और यह भी अनुभव होता है जैसे सभी कुछ विल कर चुके, संकल्प सहित सब विल हो जाए, शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तब बिल्कुल विल करना, यह है माइट। अव्यक्तवाणी 29 अप्रैल 71। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वह कर सकते हैं, यह विल पावर जरूर है, लेकिन हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। बच्चे को सभी विल किया जाता है ना, जो कुछ होता है वह विल करते हैं, तो आप लोग भी वारिस बनाते हो और बनते भी हो। तो जैसे और विल पावर है वैसे सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। यह यहाँ से भरकर जाना, जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। अव्यक्तवाणी 30 मई 71। बाप तो पूरा विल कर रहे हैं। जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा उन्हों की निशानी क्या दिखाई देगी? वह विल पावर वाले होंगे। उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने हैं तब विल पावर नहीं आती है। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। अव्यक्तवाणी 8 जून 71। याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि को जहाँ चाहे जितना समय चाहे उतना लगा सकते हैं। विल पावर कैसे आ सकती है? विल करने से। विल करने की निशानी
अपने विल पावर से समझ सकते हो? सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियाँ विल कर देते हैं, सर्व शक्तिवान साथी बन गए और सर्व शक्तियाँ साथी बन गई, तो फिर विजय ही विजय है। अव्यक्तवाणी 18 जुलाई 71। अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए यह दोनों ही पावर्स अति आवश्यक हैं। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है वो कंट्रोल नहीं करा सकते हैं, विल पावर नहीं रहती। विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दें। जैसे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण, लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया, तो जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे तो अर्पणमय दर्पण बन जाता है। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वह साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ यह हुआ कि विल पावर चाहिए और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जहाँ चाहे वहाँ अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सकें। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर, शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है, सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए है महामंत्र। अगर महान अंतर और महामंत्र यह दोनों ही याद रहें तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह सहज है। पहले चेक करो अर्थात अंतर सोचो, फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती, और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और राग की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। अव्यक्तवाणी 31 नवंबर 71। सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। अव्यक्तवाणी 17 दिसंबर 89। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है,
बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं यह सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते वह वह के गीत गाते उड़ते रहते हैं। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 90। सेवा का समय अपना अलग निश्चित करो और पुरुषार्थ की वृद्धि का समय अलग निश्चित करो। सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर चाहिए। विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकते हो। कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चात्रक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अपने प्रति यूज़ करने के कारण दूसरों को फुल शक्तियाँ नहीं दे सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में शक्तियों की विल की बच्चों को, उस विल से यह कार्य चल रहा है। आदि में धन की विल की, जिससे यज्ञ स्थापन हुआ, और अंत में शक्तियों की विल की, जिससे यह सेवा वृद्धि को पा रही है। ब्रह्मा ने तो किया, फॉलो करने वाले तो बच्चे हैं ना। एक ब्रह्मा के विल से कितनी आत्माएं आई और आ रही हैं। अगर इतने सब निमित्त सेवाधारी भी ऐसी शक्तियों की विल आत्माओं प्रति करें तो क्या हो जाएगा? तो अभी यह आवश्यकता है, ऐसे नहीं कि अपने ही पुरुषार्थ में एनर्जी वेस्ट करें। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 96। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावन हार, पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 96। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहें, जैसे चाहें, विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहें वह प्रैक्टिकल में कर सकें। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 98। बाप दादा सदा कहते हैं कितने भी बड़े हो उनके पास पावर है। आपके पास परमात्मा विल पावर है। परमात्मा ने पावर्स की विल की है तो विल पावर है। तो परमात्मा विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ स्वयं में एक संकल्प हो, होना ही है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 99। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन
ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बने, अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। अव्यक्त संदेश 25 जून 1998। फिर बाबा को हमने आप सबकी और दादी जानकी की याद दी तो बाबा ने कहा कि बीच बीच में यह भी खेल में खेल दिखाती है और खेल पूरा हो जाता है तो वैसे की वैसे हो जाती है, तो अभी भी यह खेल हो रहा है और बच्ची में हिम्मत और विल पावर है, इसलिए फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2000। मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिखकर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है, तो यह विशेषता बहुत अच्छी है जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दो और सर्व पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही हैं, करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मज़ा आता है ना, करण करावन हार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं। अव्यक्तवाणी 15 फरवरी 2007। बाप दादा ने देखा है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए और दादी को दृष्टि दी, उस दृष्टि की विल पावर से बहुत सर्वस्नेही सर्वसमर्थ सर्व कार्यकर्ता निमित्त और निर्माण, इसमें ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए सारे ब्राह्मण परिवार में शक्ति भरी और बाप दादा के अपनी दादियों के साथ साथ रह के बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अभी भी सूक्ष्म में आपके साथ पार्ट बजा रही है। बाप दादा भी दादी की कमाल गाते हैं, सबको संगठन के बंधन में स्नेह और सहयोग के आधार से बांधा और यह अमर वरदान है। सबका प्यार अच्छा है, यह देख करके भी बाप दादा को खुशी है। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2007। शांता मणि दादी, इसने कमाल की, डॉक्टर भी मानते हैं यह विल पावर है, तो यह विल पावर की प्रत्यक्षता दिखाई, इसकी मुबारक हो बहुत। एक एग्जाम्पल तो बनी, विल पावर क्या चीज़ होती है, उसका एग्जाम्पल बनी, बाप दादा को बहुत अच्छा लगा, उसकी मुबारक है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। दादी को जो अंत में हाथ में हाथ देके बाप दादा ने विल पावर्स की विल की, उस विल पावर से कार्य निर्विघ्न चलाया, तो दोनों की विशेषता कम नहीं है, दोनों ने अपना अच्छा अच्छे से अच्छा पार्ट बजाया है और अभी भी पार्ट बजाते रहेंगे। तो बाप दादा कहते हैं कि जो विशेष कार्य के निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा की और ब्राह्मणों की बधाइयाँ ज़रूर मिलती हैं, उनकी मुबारकें शुभ भावनाएँ शुभकामनाएँ बहुत मिलती हैं। तो दोनों का पार्ट अपना अपना रहा,
लेकिन सफल रहा, सफल रहेगा। ओम शांति।